हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ DOS अटैक के बारे में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेन्स क्या होती हैं। बट फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। DOS बेसिकली इसका मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। फ्रेंड्स, अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से समझें तो इसका मीनिंग है हैकिंग में। फ्रेंड्स, हर एक वेबसाइट की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है कि वो कितना ट्रैफिक एक्सेप्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर वेबसाइट है, उसकी कैपेसिटी है कि वो एक सेकंड में 50 बंदे एक्सेप्ट कर सकती है, 50 यूज़र एक्सेप्ट कर सकती है। पर फ्रेंड्स, अगर 50 से ज़्यादा, जैसे मान लीजिए 60 या 70 यूज़र उस पर जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। फ्रेंड्स, यही एक वेबसाइट की होती है वीकनेस। अब फ्रेंड्स, हैकर जो होता है वो इसका फ़ायदा उठाता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे टूल्स हैं मार्केट में, पर यहाँ पे हम बात करते हैं मालवेयर वायरस के बारे में। फ्रेंड्स, आपने फेसबुक पे या फिर कई कई जगह पे ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे होंगे जिनका कोई मतलब नहीं होता। फ्रेंड्स, या फिर बहुत तरीके होते हैं इनको वायरस को स्प्रेड करने के। फ्रेंड्स, आपने कोई कोई ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी फ्रेंड्स, जहाँ पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जहाँ पे जाके और आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, फिर माफ कीजिएगा, पहले एक्सेप्ट करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, पर फ्रेंड्स उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता। फ्रेंड्स, अगर आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड कर रहा है, ऑटोमेटिकली फोल्डर बना रहा है, या आपका कंप्यूटर बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो फ्रेंड्स आप समझ जाइए कि आपका कंप्यूटर हो चुका है हैकर का शिकार। अब फ्रेंड्स, होता क्या है, हैकर देखिए फ्रेंड्स, टूल्स इतने आजकल टूल्स भी मॉडर्न है, पर फ्रेंड्स फिर भी जो एक हैकर होगा फ्रेंड्स, वो दूसरे IPs का यूज़ करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप जैसे मान लीजिए वेबसाइट ने उसको पकड़ भी लिया कि कहाँ से ये हैकिंग स्टार्ट हो रही है, पर फ्रेंड्स जो एक नॉर्मल यूज़र होगा, फ्रेंड्स मान लीजिए जैसे ए है, ये ए के यूज़र है और ये बी डायरेक्ट इंटरनेट है। फ्रेंड्स, अगर ये ए यूज़र डायरेक्ट इस पर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक करेगा किसी टूल का यूज़ करके, तो फ्रेंड्स जो बी जो इंटरनेट है या जो वेबसाइट है फ्रेंड्स, वो इस ए यूज़र का IP ट्रेस कर लेगी। बट फ्रेंड्स, प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेन्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, वो जैसे मान लीजिए एक प्रोफेशनल हैकर है फ्रेंड्स, ये प्रॉक्सी चेन्स लगा देगा अपने सिस्टम पे, तो फ्रेंड्स जब ये इंटरनेट सर्फ करेगा, जैसे मान लीजिए बी जो है ये इंटरनेट है फ्रेंड्स, जब ये ए इंटरनेट सर्फ करेगा, तो फ्रेंड्स अगर बी इसकी लोकेशन ट्रैक करना भी चाहेगा, तो फ्रेंड्स उसकी लोकेशन या तो एफ की दिखाएगा या डी की या सी की। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने खाली तीन ही एग्जांपल लिए हैं, ऐसे लोकेशन ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, मालवेयर वायरस से बनाया जाता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को शिकार, और एक पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कर दिया जाता है फ्रेंड्स, और उस वेबसाइट का हो जाता है सर्वर स्लो। अब फ्रेंड्स, इनसे बचने के तरीके हैं, कुछ ही तरीके हैं फ्रेंड्स इनसे बचने के। जैसे जैसे मॉडर्न आगे जा रहा है, टेक्नोलॉजी आगे जा रही है फ्रेंड्स, उस तरीके से ये क्राइम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। यूज़ HTTP साइट फ्रेंड्स, जो सिक्योर कनेक्शन है उन्हीं को आप यूज़ करें, अननोन एप्लीकेशंस को डाउनलोड ना करें, और उन एप्लीकेशंस को आप एक्सेप्ट करें अपने कंप्यूटर में जिनकी आपको नॉलेज है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।